स्टूडेंट्स, आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हमने क्लास में कौटिल्य के बारे में अध्ययन किया था और कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों के बारे में जो विचार हैं उनका हमने अध्ययन किया, इसमें आज हम अध्ययन करेंगे कौटिल्य के द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र का। देखिए, अर्थशास्त्र जो है ये 15 अधिकरणों में विभाजित है और ये एक अत्यंत उच्च कोटि का ग्रंथ है। ये भारतीय राजनीतिक चिंतन के मामले में इसे बहुत महत्वपूर्ण कोटि का ग्रंथ माना जाता है और इसमें कौटिल्य के तो विचार हैं ही, साथ में उनके जो पूर्व के आचार्य हैं या संप्रदाय हैं उनके विचारों का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें शासन कला, प्रशासन की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें वर्णन है राजा यानी कि राजतंत्र का, अमात्य यानी कि जो मंत्री हैं, जो उच्च पद वाले जो अधिकारी होते हैं, उच्च पदाधिकारी, उनके बारे में, युद्ध, न्याय, दंड, धर्म, विदेश नीति, कूटनीति, यानी कि कुल मिलाकर के एक शासन के क्षेत्र में जितने भी विषय आते हैं उन सभी विषयों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है, उन सभी विषयों पर लिखा गया है। इसमें जो व्यवहारिक राजनीति होती है उसकी किसी भी एस्पेक्ट की इसमें उस उपेक्षा नहीं की गई है, किसी भी पक्ष की इसमें उपेक्षा नहीं की गई है। इसके साथ ही एक टॉपिक और था कौटिल्य का। कौटिल्य ने युद्ध के कुछ प्रकारों का वर्णन किया है, जैसे कि सबसे पहला है प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध जो होता है ये पूरी तैयारी के साथ किया जाता है और विधिवत रूप से इसकी घोषणा की जाती है। दोनों जो पक्ष होते हैं उनकी सेनाएं युद्ध के स्थल पर संघर्ष करती हैं और वो नियम के अनुसार करती हैं। तो ये तो हो गया प्रकाश युद्ध। कूट युद्ध जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें क्या होगा, छल कपट, लूटमार इस प्रकार से किया जाता है। एक है तूष्णी युद्ध। इसमें क्या होता है कि जो सेनाएं होती हैं वो विष जैसे साधनों का प्रयोग करती हैं और छल कपट के द्वारा, प्रपंच के द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है, वो कहलाता है तूष्णी युद्ध। और चौथा प्रकार है जो है वो है माया युद्ध। इसमें छल कपट के द्वारा शत्रु के पराजय के लिए कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार से कौटिल्य ने युद्ध के चार प्रकार बताए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है कौटिल्य वो समाप्त होता है और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है शुक्र अथवा शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो है इन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतन में महर्षि शुक्र या शुक्राचार्य जो है इन्हें शुक्र नीति के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत विवाद का विषय रहा है कि शुक्राचार्य कौन थे। इनके कई ग्रंथों में अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। किसी में इन्हें ऋषि भृगु का पुत्र बताया गया है तो किसी में असुरों का आचार्य कहा गया है। फिर इनके जन्म स्थान को लेकर के और जन्म के समय को लेकर के भी मतभेद हैं। इनके द्वारा जो रचित रचना है वो है शुक्र नीति, शुक्र नीति सार। अब उसकी रचना काल के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि यह रचना वैदिक काल की है, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये ईसा के समय के बाद की है। तो कुछ इसे 4th सदी में लिखना मानते हैं, कुछ इसे 9वीं सदी में लिखना मानते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि जो शुक्राचार्य हैं वो कोई वैदिक काल के महापुरुष हैं,
कुछ ये मानते हैं कि नहीं, कोई संप्रदाय है और उसमें इस संप्रदाय में जो भी व्यक्ति सम्मिलित होते गए वो अपने आगे शुक्र लिखते गए और इस शुक्र नीति में वो अपने समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार कुछ ना कुछ इसमें जोड़ते चले गए। तो इस प्रकार से ये बड़ा विवाद का विषय रहा है, मतभेद का विषय रहा है। यहाँ हमें इस गहराई में नहीं जाना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। हमें इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है शुक्र नीति, उसके बारे में समझना है कि ये क्या है और किस विषय पर लिखी गई है। अब देखिए, शुक्र नीति जो है, जैसे कि शुक्राचार्य के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, उसी प्रकार से शुक्र नीति की वर्तमान जो स्वरूप है, इसकी रचना काल के बारे में भी विद्वानों में मतभेद रहा है। अब ये किन किन विषयों का उल्लेख करती है, तो ये राजनीतिक चिंतन के साथ साथ लोक प्रशासन के बारे में भी इसमें विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, जो इनका ग्रंथ है उसमें चार अध्याय हैं। हर एक अध्याय में अलग अलग बातों का वर्णन है। तो जो पहला अध्याय है वो बात बताता है नीति शास्त्र के बारे में, राजा कितने प्रकार के होते हैं, आगे हम इनका अध्ययन करेंगे। सतोगुण प्रधान राजा, रजोगुण प्रधान राजा, तमोगुण प्रधान राजा, इस प्रकार से। फिर इसमें प्रथम अध्याय में उनकी दिनचर्या के बारे में, कानूनों के बारे में इनका वर्णन है। दूसरे अध्याय में जो विषय शामिल किए गए हैं वो युवराज के बारे में, उत्तराधिकार के नियम क्या क्या होते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी इनके बारे में वर्णन है। तीसरा जो अध्याय है उसमें वर्णन है सामाजिक नीति का, आपसी मेलजोल का, सामाजिक व्यवहार का। और जो चौथा अध्याय है उसमें है अलग अलग राजाओं का, जैसे कि मित्र राजा, उदासीन राजा, शत्रु राजा, न्याय प्रशासन, सैन्य का संचालन, अंतर्राज्य जो संबंध होते हैं उनके बारे में इसमें वर्णन है। आगे हम बात करते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार राजा की किस प्रकार से उत्पत्ति की चर्चा की गई है। तो जैसे मनुस्मृति में हमने पढ़ा कि राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को बताया गया है, शुक्र नीति में इसी सिद्धांत को कुछ हद तक दोहराया गया है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। इसमें स्वीकार किया गया है कि जो आदर्श राजा है उसमें इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर के गुण पाए जाते हैं। जैसे जो राजा होगा वो इंद्र की तरह सबकी रक्षा करता है, यम की तरह अपराधियों को दंड देता है, वायु की तरह लोगों को कर्म की तरफ प्रेरित करता है, अग्नि की तरह वह सब जो वस्तुएं हैं उनको शुद्ध कर देता है। जैसे सूरज अंधकार को दूर करता है, वैसे राजा भी अधर्म के अंधकार को दूर करता है। वरुण की तरह वह धन धान्य में वृद्धि करता है, इस प्रकार से सबका पालन पोषण करता है। चंद्रमा की तरह वह सबको आनंद प्रदान करता है और कुबेर की तरह वह धन संपदा को संभालता है। तो शुक्राचार्य जो है वो क्या कहते हैं कि राजा में जो सारे गुण हैं ये अपने आप नहीं आ जाते, बल्कि उसे कठिन परिश्रम करके अपने अंदर ये गुण पैदा करने चाहिए। अगर वो ऐसा गुण पैदा नहीं कर पाएगा तो जैसे कांतिहीन चंद्रमा होता है उसकी तरह वह निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार से वो राजा के कठिन परिश्रम पर बल देते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि राजा को अलग-अलग संदर्भों में अपने पिता के साथ, माता के साथ, अपने जो मित्र हैं उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जैसे पिता की तरह उसे अपने प्रजा को गुणवान बनाना चाहिए, आज्ञाकारी बनाना चाहिए। माता की तरह उसे प्रजा का पोषण करना चाहिए। जैसे गुरु का कार्य होता है शिष्य को शिक्षा देना, उसी प्रकार से वो प्रजा को शिक्षित करे। जैसे बंधु होते हैं उनका, उनकी तरह उसे अपनी प्रजा की संपत्ति में से उचित भाग लेना चाहिए, यानी कि उचित प्रकार से कर लगाने चाहिए।
मित्र की तरह वो प्रजा का विश्वास पात्र बनी। इस प्रकार से राजा के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। साथ में शुक्राचार्य ये भी कहते हैं कि जो राजा की दैवी उत्पत्ति है उसके विचार को उन्होंने स्वाभाविक स्थिति के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने राजा को एक डायरेक्शन दी है कि उसे प्रजा का स्नेह, सम्मान, ये सब कब प्राप्त होगा, जब वो अपने अंदर ये दैवीय गुण उत्पन्न करेगा, तभी जा करके प्रजा जो है वो राजा को स्नेह दे पाएगी, सम्मान दे पाएगी, उसकी आज्ञा का पालन कर पाएगी। अब यहाँ शुक्राचार्य ने प्रकृति के आधार पर तीन गुण बताए हैं, सत्व, रजस और तमस, और इनके आधार पर उन्होंने अलग अलग राजाओं में अलग अलग गुणों की प्रधानता बताई है। तो इस प्रकार से उन्होंने तीन प्रकार के राजा बताए हैं। जैसे सतोगुणी राजा है तो उसमें क्या होगा, दैवीय प्रकृति के लक्षण पाए जाते हैं, तो कैसा हो जाएगा, देवता के समान। इसी प्रकार से रजोगुण प्रधान राजा जो होगा वो साधारण मानव के समान होगा, और जो तमोगुण प्रधान राजा होगा वो राक्षसी प्रकृति का होता है। तो कहते हैं कि ऐसे राजा का वध कर देना ही न्याय संगत है, न्यायोचित है। तो इस प्रकार से शुक्र नीति के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग तीन प्रकार के राजा बताए हैं, उनका वर्णन किया है और उन सबके साथ अलग अलग व्यवहार का निर्देश भी दिया है। तो कहते हैं कि जो राजा धर्म के मार्ग पर चले, नैतिकता के मार्ग पर चले, उसका आज्ञा पालन करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन ऐसा राजा हो जो धर्म का त्याग करे, नैतिकता के मार्ग पर चलना छोड़ दे, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। साथ में शुक्राचार्य ये भी कहते हैं कि जो शासक होता है उसको अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, अपने ज्ञान पर, अपनी विनयशीलता, इसके आधार पे प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। राजा को काम, क्रोध, मोह, अंधकार, इनसे दूर रहने की उन्होंने शिक्षा दी है। साथ में वो राजा को ये चेतावनी भी देते हैं कि जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, प्रजा का पालन पोषण नहीं कर सकता है, जिसके पास धन हो, संपत्ति हो, लेकिन फिर भी वो दान नहीं करता, दानशील नहीं होता, तो ऐसे राजा को देवता नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आज हमने शुक्राचार्य और शुक्र नीति के बारे में जाना। बाकी का जो है वो आप नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।